हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट तो इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट एरेज हमारा खत्म हो गया हमने जल्दी रिवीजन किया है उसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं इसके बाद प्रोटोटाइप हम सीखेंगे प्रोटोटाइप टाइप को हम समझेंगे जावा में तो ऑब्जेक्ट अगर आप जावा की बात करें तो हर इसमें जो भी आ, हर चीज़ इसमें ऑब्जेक्ट है हर चीज़ का मतलब एरे अगर आरे की बात करें आप ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है फंक्शन ऑब्जेक्ट है डेट ऑब्जेक्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट है तो सभी ऑब्जेक्ट ही हैं तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड वैल्यूज जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या होता है कलेक्शन ऑफ नेम्ड वैल्यूज ऑब्जेक्ट में क्या होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज में क्या होता है नेम और वैल्यू तो अभी हम समझेंगे इसको ठीक से बेसिक देख लेते हैं और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें बेसिक दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे और कितने तरी, तरीके से हम ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं इसको अनरिकमेंडेड कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट है अगर आप नहीं देखोगा नंबर अगर आप नंबर को इस तरह यूज़ करेंगे न्यू की लाकर तो ये भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एरे ऑब्जेक्ट है फंक्शन ऑब्जेक्ट है डेट ऑब्जेक्ट है तो सभी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही हैं ठीक है अगर हम लिटरल अगर हम प्रिमेटिव वैल्यू का यूज करेंगे सिर्फ उसको छोड़कर प्रिमेटिव का छोड़कर प्रिमेटिव को छोड़कर ये सभी इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं जावस्कट में क्योंकि प्रिमेटिव में ना उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं ना मैथड्स होते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी होंगी मैथड्स भी होंगे क्रिएट अ जावा स्क्यूट ऑब्जेक्ट अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स तो जावा स्क्यूट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काफ़ी तरीके होते हैं जैसे एक आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट इस तरह लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और डिफाइन अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो अभी हम नीचे देखेंगे फंक्शन बनाएंगे ठीक है एंड देन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड टाइप उसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट तो इस तरह हम देखने वाले हैं यहाँ पर सिंपल तो एक बेसिक देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड वैल्यू जावास्क्रिप्ट में क्या होता है नेम्ड और वैल्यूज़ का कनेक्शन होता है यानी कि उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर अब एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का उसमें मैंने लेटरल्स यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ये प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी है और ये एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के अंदर क्या मिलेगा आपको नेम और वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर दो पार्ट्स हैं एक नेम है जैसे फर्स्ट नेम नेम है और जॉन वैल्यू और लास्ट नेम नेम और डॉ वैल्यू एज नेम फिफ्टी वैल्यू तो इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखिए कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू कल एक जो मैंने ब्रैकेट लगाए लेटर्स लिए ऑब्जेक्ट का इस तरह ऊपर नीचे लिखकर बीच में आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं और इसमें मैथड भी ले सकते हैं देखिए मैथड किस तरह लिखेंगे ये मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया आपको ये मैथड होगा ठीक है प्रॉपर्टीज होगी मैथड्स हो गए ऑब्जेक्ट के अंदर तो अब मैं इस अभी हम सब चीज़ इसमें देखने वाले हैं किस तरह से मैं ऑब्जेक्ट की जो नेम है वो कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये भी ऑब्जेक्ट है हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लिया ठीक है ऊपर अभी मैं इसको भी दिखाऊंगा मैं आगे और इस तरह भी लिख सकते हैं न्यू कीबर्ड का यूज करके ठीक है हालांकि जो हम अधिकतर क्या करते हैं लिटरल्स का ही यूज करते हैं मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट सेकंड नंबर पर था हमारा न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और थर्ड नंबर पर था हमारा कंस्ट्रक्श कंस्ट्रक्टर जावा स्क्रिप्ट और फोर्थ नंबर पर हमारा था ऑब्जेक्ट क्रिएट तो सिंपल यहाँ तक हमारे समझ में आ गया ऑब्जेक्ट हम कैसे लिखते हैं अधिकतर हम लिटरल्स का ही यूज करते हैं तो अब इस वीडियो के बाद हम देखेंगे प्रोटोटाइप्स के बारे में चलेंगे आगे प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं तो मैं बेसिक है ये आई थिंक आप इतना जानते हैं तो मैं ठीक है मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ इतना तो आपको पता है आप जानते भी होंगे ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और ये मैंने इसको कंसोल में प्रिंट करा दिया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वो शो कर रहा है प्रॉपर्टीज मतलब कि उसमें जो नेम वैल्यूज़ हैं पेयर पेयर से वो सब शो कर रहा है तो मैं अगर यहाँ टाइप देखूँ उसका पर्सन का तो टाइप क्या होगा आप कैसे पता लगाएंगे कि जो पर्सन ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया किस टाइप का है तो अब यहाँ देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन पर्सन को आप देख रहे हैं एक टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके तो बता रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है एक पर्सन क्या है ऑब्जेक्ट टाइप चलिए ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे डोट लगा के करेंगे कैसे एक्सेस करेंगे डोट लगाकर पर्सन डोट फर्स्ट नेम मैं इसको यहाँ भी सेव करा सकता हूँ ऊपर लेट एफ नेम ले लिया मैंने और पर्सन डोट एफ नेम वही आएगा एकदम अनडिफाइंड आ रहा या है यानी स्पेलिंग मिस्टेक है प्रॉपर्टी हमने गलत प्रॉपर्टी का नेम हमने गलत दिया है उसमें एक कैपिटल लेटर कैपिटल में आएगा एन इस तरह से रिफ्रेश करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मैं काफ़ी चीज़ें एक ही वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे हमें काफ़ी वीडियोज़ देखने होंगे यहाँ मैं ले लेता हूँ एफ एम इजल टू पर्सन मैं इस, स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ इस तरह से भी और कंसोल करा के देखते हैं ये भी आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट लिखना डॉट में लिखना मैं आगे हम आने वाले वीडियोस में भी मैं बताऊंगा इसके बारे में और यहाँ देख पा रहे हैं मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में रख के भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं इसकी वैल्यू और डोट लगा कर भी चलिए ये तो हो गया हमारा इस तरह से ठीक है अब यहां पर मैं एफ नेम विकल टू पर्सन डोट फर्स्ट नेम इजिकल टू दिस मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक है तो मैंने देखो यहाँ पर चेंज हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर लिया पर्सन डोट फर्स्ट नेम इजिकल टू एक वैल्यू दे दी न्यू तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई अब यहाँ पर तो हमने यहाँ तक कर लिया ठीक है ये बेसिक आपको समझ में आ गया है तो अभी तो हम चेंज कर पा रहे हैं कीज़ के अकॉर्डिंग मतलब प्रॉपर जो नेम हम ले रहे हैं उसकी वैल्यूज हम प्रिंट करा रहे हैं ये भी वही है बिल्कुल मैं आपको इसको दिखा देता हूँ सिंपल फुल नेम और यहाँ पर मैं इस मेथड को रन कराना एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ मतलब कि इसको चला के देखते हैं मेथड को जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो मेथड आप कैसे कराएंगे ये सिंपल सा नाम लिख देंगे जैसे आप फंक्शन में करते थे अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है फुल नेम एक फंक्शन यहाँ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी में हमने एक फंक्शन दिया है जिसमें फुल नेम हम लिख रहे हैं दिस की का यूज होगा इसमें ठीक है और दिस फर्स्ट नेम और ये दिस टोड लास्ट नेम दोनों हमने कंबाइन कर दिए ऐड कर दिया अब यहाँ पर चलते हैं इस तरह भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं ऊपर ब्लैंक है और उसके बाद पर्सन डोट करके आपने प्रॉपर्टीज की वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं सिंपल वही है कोई अंतर नहीं है ये भी मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ बिल्कुल वही जो भी हम ऊपर कर रहे हैं ठीक है तो ये भी हो सकता है ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ब्लैंक लिटरल्स का यूज करके और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो आपने वेरिएबल पर लिया है पर्सन डोट करके आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर आता है न्यू कीबर्ड का यूज करके ठीक है पर्सन न्यू ऑब्जेक्ट तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ इसका भी सेम रिजल्ट आएगा अभी मैं आपको बहुत बेसिक दिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए ऑब्जेक्ट आप कितने तरह, तरह से लिख सकते हैं और कैसे आप उसकी वैल्यू ये आ गया जावर स्किप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आगे मैं हो सकता है जब प्रोटोटाइप पढ़ेंगे वहाँ पर हम काफ़ी सीखेंगे तो इसमें भी हमने इसको कराया तो इसने मिला हमें मिला फंक्शन ठीक है जैसे आपने पर्सन आपने किया तो इसमें हमें मिला एक फंक्शन इसने फंक्शन ही इसके अंदर क्या है इसी का फंक्शन है जो ये सेव है ठीक है इसमें वैल्यूज़ वगैरह अब इसमें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर मैं एक्सेस करूँगा तो कैसे करूँगा ठीक है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट दिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और आई और यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे इसमें कांस्टेंट पर्सन वन इज इक्वल टू न्यू पर्सन तो मैं यहाँ पर इस रिफ्रेश करके देखता हूँ अभी तो कुछ हमें नहीं मिलेगा कंसोल मैंने कुछ नहीं किया अभी तो मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ पर्सन वन को तो देखते हैं पर्सन वन में मुझे क्या मिल रहा है पर्सन वन ही रहने देता हूँ पर्सन वन डॉट फर्स्ट नेम लिख देता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे अगर मैं फर्स्ट नेम चलाऊँ तो अनडिफाइंड तो यहाँ पर इनडिपेंड है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कराया कंस्ट्रक्टर में नेम पास कराता हूँ मैं तो अब देखिए नेम आ गया है तो यहाँ पर मैं नेम पास कराया कंस्ट्रक्टर में तो नेम आ गया ठीक है थीके? इसी तरह से आप जो बाक़ी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट लास्ट एज आई वो आप पास करा सकते हैं यहाँ हम पास करा लेंगे और इस तरह से हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं एसेस कर सकते हैं इसका मेथड भी हम इसी तरह से एसेस करेंगे सिंपल जैसे हमने ऊपर किया था बस यहाँ कंस्ट्रक्टर लेकिन इस दोनों में आगे जो हम काम करेंगे इसमें तो कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ देखेंगे क्या यूज करते हैं बाकी ये चीज़ हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ आजकल यूज हो रहा है और इसके क्या क्या नया आ गया हमारे पास एकमा स्क्रिप्ट है वो हम बाद की बात है अभी हम बेसिक पढ़ें और प्रोटोटाइप पढ़ेंगे आगे देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी होती है इसमें तो प्रॉपर्टी में जो फंक्शन दिया है वो कैसे हम कॉल कराएंगे वो मैंने लिखा है अब मैं इसको गिटअप पर सेव करा लेता हूँ गिट एड डॉट कमिट कर लिया उसके बाद पुश तीन कमांड है और ये चला गया गिटअप पर यहाँ से आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जाओ स्क्रिप्ट टूटोरियल में जाकर और जी एस अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट और जी एस में से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और थैंक यू वेरी मच और नाइस डे तब तक के लिए मैं